न्यू प्रोजेक्ट की इंक्वायरी आई, क्लाइंट ने मुझे साइट पे बुलाया, अच्छी तरीके से सारा काम समझाया, मैंने उसको फ्री में एक डिज़ाइन प्रेजेंटेशन दी, फिर मैंने एस्टीमेट भी दिया, कुछ को तो मैंने फ्री में 3D भी दी, फिर अचानक क्लाइंट ने मेरा कॉल लेना बंद कर दिया, क्लाइंट मिस्टर गायब हो गया। फिर एक और इंक्वायरी आई और वो क्लाइंट भी मिस्टर गायब हो गया। फिर एक और इंक्वायरी आई और वो क्लाइंट भी मिस्टर गायब हो गया। अरे भाई, ये चल क्या रहा है? अगर आपके भी इंटीरियर बिजनेस में आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है और बार बार हो रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बड़ी गहराई से समझेंगे पावर ऑफ ब्रांडिंग। यस, ये 5th वीडियो है कंप्लीट 15 वीडियो सीरीज की, अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान फॉर इंटीरियर डिजाइनर। नमस्कार दोस्तों, आई एम धीरज अरोड़ा, इंडियाज लीडिंग इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर एंड इंटीरियर बिजनेस एक्सपर्ट, एंड वेलकम टू इंटीरियर पिनर्स सक्सेस एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इंटीरियर बिजनेस से सक्सेस भरी नोटिफिकेशन आपको सक्सेसफुली मिलती रहे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज ब्रांडिंग? अब जरा ध्यान से समझना। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए यूनिक आइडेंटिटी एंड परसेप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज और कंपनी और योर बिजनेस इन द माइंड ऑफ योर टारगेट क्लाइंट, सो दैट यू बिकम देयर मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर डूइंग द बिजनेस। यस, आ गई बात समझ में? क्या कहा? इंग्लिश में नहीं, देसी भाषा में समझाऊं? यस, तो अभी समझा देता हूं। आपका क्लाइंट आपके बारे में, आपकी अब्सेंस में, यानी आपसे मिलने से पहले आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए क्या सोचता है, और आपसे मिलने के बाद आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए क्या सोचता है, ये है ब्रांडिंग। सो ओवरऑल ब्रांडिंग इज अबाउट क्रिएटिंग SCM, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट एंड मेमोरेबल आइडेंटिटी ऑफ योर सेल्फ और योर बिजनेस, सो दैट योर टारगेट कस्टमर कैन रेजोनेट विद इट एंड क्रिएट ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब समझते हैं why ब्रांडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। सो ब्रांडिंग से आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, बाइंग रेजिस्टेंस कम होता है, कन्वर्जन रेट डबल हो जाता है, रेफरल मिलने का रेट डबल हो जाता है। अगर ये सब आपके इंटीरियर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, तो ब्रांडिंग भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर मत करना, नहीं तो इंटीरियर बिजनेस की वाट लग जाएगी, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। तो अब सवाल उठता है, हाउ कैसे हम अपने इंटीरियर बिजनेस को एक ब्रांड बनाएंगे? सवाल उठता है ना? तो जवाब मेरे पास है। सो ब्रांडिंग कैन बी डन इन सेवरल वे, लाइक क्रिएटिंग लोगो, मेकिंग कैची कलर स्कीम, मेकिंग टैगलाइन, मेकिंग विजन स्टेटमेंट। बट ब्रांडिंग यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। ब्रांडिंग में होता है कि आपके ऑफिस इंटीरियर स्पेस कैसा है, आपकी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी कैसी है, आपकी डिज़ाइन प्रेजेंटेशन कैसी है, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एंड आपकी मार्केटिंग कैसी है। चलिए इनको गहराई में समझते हैं 4 स्टेप से। स्टेप 1, डिफाइन योर ड्रीम क्लाइंट प्रोफाइल। स्टेप 2, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। स्टेप 3, डिफाइन व्हाट्स मेक यू यूनिक। स्टेप 4, क्रिएट ए स्टनिंग ऑनलाइन पोर्टफोलियो, दैट इज मनी मेकिंग वेबसाइट। सो अब समझते हैं स्टेप 1 को, डिफाइन योर ड्रीम क्लाइंट प्रोफाइल। यस, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रांडिंग। चाहे आप इंटीरियर बिजनेस के नए खिलाड़ी हों या फिर पुराने खिलाड़ी हों, ये तो पता होना चाहिए कि निशाना कहाँ लगाना है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट पे क्लैरिटी नहीं है, तो इस वीडियो को आप यहीं पॉज कर दीजिए। मेरे चैनल पे 3rd वीडियो है इसी सीरीज की, हाउ टू आइडेंटिफाई योर टारगेट क्लाइंट, उसको देखिए, थंबनेल ये रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ब्रांडिंग में हम बात करते हैं ड्रीम क्लाइंट की, टारगेट क्लाइंट की नहीं। ड्रीम क्लाइंट और टारगेट क्लाइंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपका ड्रीम क्लाइंट वो होना चाहिए जो आपको अच्छी पेमेंट दे, यानी पूरी और टाइम पे, जो आपके काम की एक पॉजिटिव और अच्छी फीडबैक दे, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपको आगे रेफरल भी दे। ड्रीम क्लाइंट की प्रोफाइल का पता लगाने के लिए आपको अपने 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी, और आपके ड्रीम क्लाइंट की प्रोफाइल आपके सामने होगी। समझदार को इशारा ही काफ़ी है।
अब समझते हैं स्टेप टू को, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। यस, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के हैं दो तरीके। पहला एक्सटर्नल, काफ़ी लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इंटरनल दूसरा तरीका है, जहाँ तक काफ़ी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है? आपके ब्रांड का लोगो कैसा दिखता है, लोगो का कलर कैसा होता है, आपका बिजनेस कार्ड कितना कैची है, आपकी टैगलाइन कितनी कैची है, ये सब जितनी फैंसी और सेक्सी चीज़ें हैं ये एक्सटर्नल मेथड है एक कंपनी की ब्रांडिंग के लिए। अब समझते हैं इंटरनल मेथड को। इंटरनल मेथड कहता है कि आपकी कंपनी की वैल्यूज़ क्या हैं, यानी आपने क्या ब्रांडिंग वैल्यूज़ ऑफर करी हैं अपने क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल, योर डिज़ाइन प्रोसेस कैन बी योर वैल्यू, पंचुअलिटी कैन बी योर वैल्यू, टाइम पे काम देना आपकी वैल्यू हो सकती है, इंटीरियर में लग्जरी डालना आपकी वैल्यू हो सकती है, इंटीरियर को अफोर्डेबल बनाना आपकी वैल्यू हो सकती है, आपने अपना इंटीरियर बिजनेस क्यों शुरू किया है ये भी आपके क्लाइंट के लिए एक वैल्यू हो सकती है, आप अपने इंटीरियर बिजनेस से क्लाइंट की लाइफ में क्या चेंज प्रोड्यूस करना चाहते हैं ये भी एक वैल्यू हो सकती है। जब इन सब चीज़ों की एक परफेक्ट क्लैरिटी होगी तभी जा कर के आप एक स्ट्रॉन्ग इंटीरियर बिजनेस ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। नाउ स्टेप थर्ड, डिसाइड व्हाट्स मेक यू यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस इज हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस, सो यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपिटिटर, यानी आपको अपनी एक USP क्रिएट करनी होगी। USP को मार्केटिंग भाषा में बोलूँ तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, या सिंपली बोलूँ तो योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, और सिंपली बताऊँ तो योर कंपिटिटिव एज अंगेंस्ट योर कंपिटिटर। यानी आपके क्लाइंट को ये सोचना पड़ेगा कि वो आपके कंपिटिटर को भूल के आपको काम क्यों दे। अब आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही होगी कि आपकी तो कोई USP है नहीं, तभी तो क्लाइंट आपकी ले रहे हैं इंक्वायरी। यस, और एक बढ़िया USP कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए मैंने 4th वीडियो बनाई है इस सीरीज़ की, हाउ टू क्रिएट योर USP। थंबनेल ये रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, स्टेप नंबर 4। तो देखो, ड्रीम क्लाइंट प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी भी बन गई है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी, और आपने ये भी पता लगा लिया कि आपके अंदर और आपके बिजनेस के अंदर क्या यूनिकनेस है। अब टाइम है स्टेप 4 का, यानी अपनी एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाने का, यानी नोट छापने वाली वेबसाइट बनाने का। यस, तो एक मनी प्रिंटिंग वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, सैंपल के लिए आप देख सकते हैं www.dheerajarora.com को। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी इस सीरीज़ की है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से एक बढ़िया और इफ़ेक्टिव वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। सो माय इंटीरियर चैंपियन, लेट मी जस्ट क्विकली समराइज कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्या क्या बताया। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई व्हाट इज़ ब्रांडिंग, फिर मैंने आपको बताया व्हाई ब्रांडिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटीरियर बिजनेस, और फिर मैंने आपको गहराई से समझाया कि हाउ कैसे आप अपने इंटीरियर बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। पहला, डिफाइनिंग योर ड्रीम क्लाइंट। दूसरा, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। तीसरा, डिफाइन व्हाट मेक यू डिफरेंट। चौथा, क्रिएट ए नोट छापने वाली वेबसाइट। तो आई होप आप इन स्टेप को अप्लाई करके एक अच्छा इंटीरियर ब्रांड ज़रूर क्रिएट करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई चैलेंज आते हैं, आपके कोई क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, आई विल आंसर देम ऑल। और एक नेक्स्ट लेवल के सपोर्ट के लिए, एक टू वे कम्युनिकेशन सपोर्ट के लिए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप इंटीरियर चैंपियन ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊँगा एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ओके गाइस, थैंक यू।